कार्यालय क्षेत्र खाद अधिकारी ताजगंज आगरा का हाल बेहाल। 3 महीने से बिजली का भुगतान ना होने के कारण राशन की ऑनलाइन प्रक्रिया बाधित। समय से राशन वितरण ना होने, राशन कार्ड से नाम कटने, नए राशन का समय से ना बनने के कारण जनता में भारी आक्रोश। देखते हैं संवाददाता प्रताप सिंह आजाद, कैमरामैन आसिफ हुसैन की रिपोर्ट। क्षेत्र अधिकारी के यहाँ खड़े हुए हैं, जहाँ पर हमने देखना होगा पब्लिक का रोष है कि पब्लिक के राशन कार्ड एकदम यूनिट काट दिए जाते हैं आधार हो देने के बाद भी, और उन लोगों को काफ़ी परेशानी है का सामना करना पड़ता है, जिससे एकदम और ऑफिस में लाइट तक नहीं है। जो लोग अगर कार्ड लेके आते हैं अपने फॉर्म जो जमा करते हैं उनको रद्दी बना दिया जाता है, ये पब्लिक का कहना है। और इन्होंने क्षेत्र अधिकारी अजय प्रताप सिंह जी से भी कई बार कंप्लेंट की है, लेकिन कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही और DSO साहब का भी कोई हस्तक्षेप नहीं है। अभी बात करते हैं पब्लिक को, देख वो इनके अंदर कितना रोष है, क्यों दिक्कतें हो रही हैं, क्यों नहीं मिल रहा। 3-3, 4-4 महीने से लोग ये परेशान हैं, है ना। गरीब लोगों के लिए राशन का बनाया जाता है, लेकिन यहाँ नहीं है कोई भी सुविधा। यहाँ का जो जनता का रोज का समस्या है, रोज की समस्या है। मैं तो यहाँ पे लगातार डेली देख रही हूँ। मैं अंजू शर्मा जिले से BJP से कार्यकारिणी में और सोशल वर्क हूँ मैं। पब्लिक को रोज़ परेशान करते हैं, ये ऐसी करते हैं, और जिसका मकान है उसको परेशान कर रखा है इन्होंने 5 साल से, उसका किराया नहीं दिया, एग्रीमेंट खत्म हो गया है और खाली करने की नहीं ले रहे, गुंडागर्दी करते हैं। मेरी मोटर का तार काट दिया, मुझे परेशान कर रखा है। तब फिर मैंने पुलिस कंप्लेन करी, फिर मैंने अपने भाई सांसद विधायकों से मदद मांगी, मेरे को मारने पीटने पर आ गए जब मैंने इनके नाम की रिपोर्ट कराई। तो मतलब इनकी जो लाइट कटी हुई है, जो ड्यू इनका पेमेंट है वो नहीं देते, किराया नहीं भर रहे, इसलिए लाइट कटी हुई है। वो खाली करने कह रहा है, ये खाली नहीं कर रहे ना, किराया दे रहे हैं, अच्छा, इसीलिए लाइट कटी हुई है। और DSO से भी कह चुके हैं, DSO भी नहीं सुन रहा है, अच्छा। सब मिले हुए हैं इसमें। गरीब ग्रह बैठे हैं, हाल कैंसिल है जाता है, अंगूठा एक बार आ जाओ, दो बार आ जाओ, तीसरा का आवे भी होते हैं तो कैंसिल हो गया। मतलब मशीनों से भी प्रॉब्लम होती है, और उसके बाद में जब आप यहाँ आते हो तो यहाँ भी दिक्कत है। मतलब लिमिटेड 2 महीने आपको रेगुलर राशन नहीं मिलता, एक भी महीना ना मिलो, नहीं मिल रहा, एक साल तक ना मिलो, और एक साल तक ना मिलो राशन तो, और कौन जमाने को राशन काटो। और जो मोदी की सरकार आ गई है तब तो हम, मैं तो कैंसिल ही है वो कार्ड, सब बच्चे का ही नाम कटे, तो 40 साल परेशानी देगी वही, जन्म का कार्ड ही ना बनना आया, जन्म का कार्ड ही ना बनना। ये यूनिट इसमें लिखे हुए हैं 30/10/19 में, अभी तो तुमने जमा किया है, 2 महीने का टाइम देते हैं ये लोग, 2 महीने इंतजार, अभी डेट डाली हुई है इसमें, ये देखो क्या बरा, क्या परेशानी हो रही है आपको, आपका राशन कार्ड नहीं बनना या क्या दिक्कत है, कितने दिन से भाग रहे हो आप लोग? भैया मैं 3 महीना से भाग रही हूँ, मेरा राशन कार्ड नहीं बनना हुआ है, और मैंने आय प्रमाण पत्र लगाया दो, सारे बच्चों के आधार लगा दे, और मेरे को जब भी कह देते 10 दिन बाद आना, 2 बाद आना मिल जाएगा ना, मैं बजट अगर पागल हो गई, मेरे को नहीं राशन भाई मिल गया है ना, मेरा भाई कार्ड बना के दिया। क्या कह देते हैं ये लोग? जे कह देते 4 दिन बाद आ जाना, 2 दिन बाद आ जाना, वजह तो बुखार आ रहा तब भी बज रहे हैं, दवाई को पैसे भी नहीं है भैया, गरीब आदमी है, काम भी मिलता नहीं है, जो 2 दाने मिल जाते हैं जो भी काट के रखती है, जो भी काट के रखती है, जो भी राशन नहीं मिला है। और वोट मांगने के लिए कह देते हैं, कोई भी हो प्रधानमंत्री के वोट दे दो, हम सब बिल्कुल कायदा थे, मेरे घर में तो 10 वोट जाती है, मैं इतनी मैं गरीब आदमी हूँ और मेरी जाति दबा कर धोबी है। खाद क्षेत्र अधिकारी के यहाँ खड़े हुए हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या दिक्कत आ रही है जिससे यहाँ शोर शराबा हो रहा है ना, लाइट अंदर नहीं है, अभी हमने देखा है, किस तरीके से हो रहा है ये प्रॉब्लम? सर पिछले कई समय से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और कई समय से चक्कर लगा रहा हूँ यहाँ पर, और यही कह के टाल देते हैं यहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट कटी हुई है पिछले 3 महीने से, और काफ़ी समय से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, हर बार ये कह देते हैं कि जब लाइट आ जाएगी तभी आपका ऑनलाइन हो पाएगा, और ये अप्रूवल नहीं दे रहे हैं यहाँ से, ये बोलते हैं कि लखनऊ से अप्रूवल होगा और 2 महीने बाद अप्रूवल होगा, जब हमारी लाइट आ जाएगी तभी अप्रूवल मिल पाएगा आपको, और इसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। पिछले महीने भी हम राशन नहीं ले पाए थे, और इस महीने भी लगता है हमें, और अगले 2 महीने तक भी आगे राशन नहीं मिल पाएगा हमें, जब तक ये अप्रूवल नहीं देंगे, और हमने ऑनलाइन भी करवा दिया है उसके बावजूद भी हमें मतलब राशन नहीं मिल पा रहा है। और पहले भी जब हमारे 6 मेंबर्स थे उसमें से हमारा एक ही मेंबर छुड़ा है उन्होंने, और 5 मेंबर्स के नाम काट दिए, और ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि 5-5 मेंबर क्या एक ही बार में ख़त्म हो जाएंगे, इस तरीके से ये बहुत बुरा हो रहा है सबके संग में। तो क्यों नहीं मनाते, क्या मंशा रहती है इनकी पब्लिक को परेशान करने के ऊपर, क्या जो कुछ लेन देन रहता है, क्या है? हाँ पब्लिक को ये लेन देन के चक्कर में ही रहता है इनका, और परेशानी करने के लिए ये तैयार रहते हैं, अमाउंट लेते हैं जी, अमाउंट कुछ ना कुछ इनको चाहिए रहता है कि इसलिए इसी वजह से राशन नहीं बनाते हैं।
अच्छा राज, अगर पैसा दे देते हैं तो जल्दी बन जाता है? बिल्कुल जल्दी बन जाएगा आपका, आप अभी दीजिए तो तुरंत आपका कल मिल जाएगा आपको तैयार होकर। नहीं तो भागते रहो, नहीं तो भागते रहो आप, तीन तीन महीने चार चार महीने चक्कर लगाते रहो, कुछ नहीं होगा आपका। लाइट कितने टाइम से कटी हुई है इनकी? लाइट लगभग 3 महीने से कटी हुई है इनकी, और ये इनका क्या प्रोसेस है ये पता नहीं है, और लाइट मिलती नहीं है इन्हें और काम होता नहीं है। लाइट कटने की वजह से 3 महीने से कोई कार्य नहीं हो रहा? कोई कार्य नहीं हुआ यहाँ पर, और कागज दे जाते हैं वो रद्दी हो जाते हैं, और किसी का अप्रूवल नहीं मिल रहा है। अभी तक गड्ढियाँ लगी हुई है, अंदर जाके आप चेक कर सकते हैं, रद्दी बना देते हैं बस। जो हमारे यहाँ के ARM साहब हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं कार्यालय पे, उसका ऐसा रीज़न क्या है जो वो नहीं पहुँच पाए? नहीं, अगर वो ऑफिस में नहीं बैठते हैं तो ये गलत है, उन्हें ऑफिस में समय से बैठना चाहिए। और कल का जहाँ तक का सवाल है कि हमारे एक पूर्ति लिपिक का जो है असमय देहांत हो गया था, जिसके कारण कंडोलेंस हो गया था, ऑफिस दोपहर बाद बंद हो गया था, और आज वो एक काउंटर के मैटर में मुख्यालय हेड ऑफिस आए हुए थे, तो लगातार संपर्क में हैं। उस संबंधित कार्यालय में कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि वहाँ बिजली इस समय नहीं है, मकान मालिक के द्वारा बिजली काट दी गई है, उनके किराए भुगतान का एक प्रश्न है जो लंबित है, जो कि अंतिम दौर में है, हम जल्दी ही उसको वहाँ पर बिजली भी बहाल होगी और वहाँ पर कार्यालय भी रहेगा, और इस संबंध में आपके द्वारा संज्ञान लाया गया तो उनको कॉल किया जाएगा कि भाई आखिर ऑफिस में वो क्यों नहीं बैठते हैं, 10 से लेके 12 तक ऑफिस में बैठना है, इसको कड़ाई से देखा जाएगा, उसमें उनको नोटिस। जो राशन विक्रेता है उनको आप लोगों ने अब तो हाईटेक कर दिया है, मशीनरी दे दी है जो फिंगरप्रिंट हम है, तो उसमें सर्वर का बहाना क्यों लगाकर वो लोग बैठे रहते हैं? नहीं देखिए, दो चीजें हैं, सर्वर के ऊपर प्रेशराइज हो रहा है तो वो सर्वर काम करने लगता है। नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जनपद का जो ओवरऑल वितरण है वो 90% है जी, वो भी अंगूठा से, आधार ऑथेंटिकेशन से है। तो ये कहना कि जो है जनता के द्वारा कोई किसी तरह का डीलर के द्वारा बहाना किया जा रहा है, ये सही नहीं है। हाँ, सर्वर का इशू आता है, माह के प्रारंभ में जब 5 तारीख को वितरण शुरू होता है तो सभी लोग एक साथ एक ही सर्वर पर काम करते हैं, तो 5, 6, 7 तारीख प्रथम 3 दिन में ये समस्या आती है। बाद के दिनों में अगर इस तरह की समस्या आ रही है और कोई बहानेबाजी कर रहा है तो उसको संज्ञान में लाएंगे तो उसमें कार्रवाई होगी। जैसे कि अगर उसी क्षेत्र में किसी डीलर के द्वारा वितरण किया जा रहा है, उसकी मशीन चल रही है, और एक डीलर कह रहा है कि मेरे में सर्वर नहीं आ रहा है, तो वो सेम जो उनका ईपॉस मशीन है वो आपके मोबाइल जैसा ही है, आप उसको चला के देख सकते हैं, उसमें कर सकते हैं, और तत्काल संज्ञान देंगे कि यहाँ पर ये समस्या बताई जा रही है तो हम जाके उसको दिखवाएंगे। लेकिन ओवरऑल वितरण संतोषजनक है। अगर किसी ने किसी तरह से माह के अंत तक जो वितरण तिथियाँ निर्धारित की गई हैं उसमें उनके द्वारा 90% से अब वितरण किया जा रहा है, तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं हम मान के चल रहे हैं कि वितरण हो रहा है। अगर कहीं से किसी के द्वारा इस तरह का शिकायत मिलेगा तो हम उसको तत्काल संज्ञान लेंगे। थैंक यू सो मच सर।